मुझे देख के तो बहुत हैरानी हो रही होगी आपको, है ना? आप ये सोच रहे होंगे कि दिव्या के मंत्रों के पहरे के बावजूद मैं बांदाप के मंदिर से बाहर कैसे आ गई। जब दिव्या मुझसे नहीं बच सकी तो उसके मंत्र क्या चीज है? ये तुम्हारी गलत फहमी है मोना, कि तुम वहाँ से आजाद होकर आई हो। तुम्हारी मौत तुम्हें वहाँ से बाहर खींच लाई है। अच्छा। और जो तुमने मेरी पत्नी दिव्या और मेरी बच्ची गुड़िया के साथ किया, उसका हिसाब मैं तुमसे लूंगा। अपने किए की सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ मोना। ठीक है, आप भी कोशिश कर लीजिए। अब जैसे ही रात होगी और चांद अपने चरम पर होगा, तुम पूरी तरह जम जाओगी। नहीं भैया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नसों में ये मचाएंगे। बिना मुड़े, बिना रुके, बिना सोचे, बिना समझे, युद्ध के मैदान में उतर जा तू बिना डरे। मैं ओझल अब राह सब सत्य के संघर्ष तले, छिड़ी है जंग धर्म की अधर्म उल्टे पड़ चले। तू वार कर प्रहार कर, तू वार कर प्रहार कर, तू वार कर प्रहार कर, तू वार कर। बंधन स्पेल से कैसे मुक्त करो? लेकिन याद है, किसी चांदी की मनी चीज से ही वो हिम बंधक स्पेल टूट सकता है। पापा ने कहा था कि किसी सिल्वर की चीज से टच करूंगा तो बंधन टूट जाएगा।
आप और आपके हथियार दोनों बुढ़े हो चुके हैं रीवावंशी जी। मेरे जैसे शक्तिशाली डायन का मुकाबला करना अब आपकी बस की बात नहीं रही। अब इससे बच सको तो बच लो। अच्छा तो एक बार और कोशिश करनी है, ठीक है करके देख लीजिए। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? पिया मैं तुम डायन के साथ हो ना? नहीं नहीं पिया, मैं अंश हूँ, तुम्हारा अंश। मैं किसी अंश को नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं जानती। पिया तुम जानती हो मुझे, बस तुम्हें याद नहीं है। नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे एक मिनट चुमके को जो होगी ना तुम्हें सब याद आ जाएगा। प्लीज एक बार मेरे लिए छू लो, प्लीज आई रिक्वेस्ट। तुम मुझे मिल गए और तुम्हें सब याद आ गए, बस अब हमें आदि को बचाना है। आदि? कौन आदि? क्या हुआ मोना? उम्मीद है अब तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई होगी। इसे अपनी जीत समझने की गलती मत कर बैठिएगा रीवावंशी जी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, आपको पता भी नहीं आपकी बेटी कितने बड़े खतरे में है। तुम अपनी चिंता करो मोना, क्योंकि मेरी गुड़िया के साथ अंश है। अंश? आपका मतलब दावंश अंश, मेरा बेटा? आपको लगता है एक डायन का बेटा दैविक को बचाएगा? आपकी बेटी को सबसे बड़ा खतरा अंश से ही है। इस रीवावंशी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे इस पाताल के इतनी जाल से निकलना होगा। एक बार मैं यहां से निकल जाऊं फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या हुआ दिल? अब क्या हुआ अंश? कौन हो तुम? पिया कहाँ है? नहीं तो हूँ तुम्हारी पिया, तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ अंश। तुम मेरी पिया नहीं हो, बताओ बताओ पिया कहाँ है? तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं पिया नहीं हूँ? मैं पिया हूँ। मैंने जो कहा है वही करो, मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारा दिल पर। मैं अपने दिल पर के लिए ये भी करने के लिए तैयार हूँ। दिल रोबा,
बताओ पिया कहाँ है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हाय, ऐसा क्या है पिया में जो मुझ में नहीं है दिलबर? मैं भी तो पिया जैसी ही दिखती हूँ, मुझे ही अपनी पिया समझ लो। बताओ बताओ पिया कहाँ है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। छोड़ दो उसे।